नमस्कार दोस्तों, मैं अतनु। आज हम बात करेंगे इंडिया को दुनिया में अगर नंबर वन बनना है तो कैसे बन सका है। तो पहला चीज है, जो नंबर वन बनेगा उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो पहला जो क्वालिटी है वो है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एनवायरनमेंट जैसे चेंज हो रहा है उतना फास्ट चेंज हो जाओ और साथ ही साथ उसको अडेप्ट करके कंट्री को आगे ले जाओ। आप बोलेंगे जैसे इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपको एज पर द डिमांड आपको अपना कंट्री में चेंज चाहिए, वो भी इंस्टेंटली उसको अप्लाई कीजिए ताकि वो ज्यादा टाइम ना ले। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से एनवायरनमेंट जैसा चेंज हो रहा है, खुद अपने आप को चेंज करो और उसको अडेप्ट करो और अकॉर्डिंग टू दैट अपने कंट्री को ग्रो करो। तो आप बोलेंगे भैया समझे नहीं, कि एक एग्जांपल दीजिए। ऑब्वियसली जैसे कि वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा है, इंडिया में अभी तक ये हिट नहीं किया, इसके पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज वेरी क्लियर। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ कुछ कुछ कंट्री में रिसेशन है या फिर कुछ कुछ कंट्री में बहुत सारा जॉब कट्स हो रहा है, तो पहले से तैयार हो जाइए। बैंकिंग सेक्टर को चेंज कीजिए, लोन का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर रिफॉर्म करना पड़े उसमें रिफॉर्म कीजिए। ऑन द अदर हैंड आरबीआई को जो ठीक लगे के अकॉर्डिंग टू दैट उसको जल्दी इम्प्लीमेंट कीजिए अपने कंट्री पे। इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड में इश्यू हो रहा है वो अपने कंट्री में आने से पहले ही कंट्री अपने तरफ से एक सेफ साइड में आ जाएगा। हो सके कि ये इश्यू हम लोग को झेलना ही नहीं पड़े, आगे जाके कंट्री हम लोग का स्मूथली रन करे। कोई कोई होता है इस सब सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है और जाके IMF या फिर वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, मगर आपको सोचना चाहिए वो लोग लोन ऐसे फ्री में नहीं देता है, उसके पीछे बहुत सारा क्लॉज होता है जिसमें आप जो फंड मिल रहे हैं वो कहाँ खर्चा करना पड़ेगा। दे विल डिसाइड, ऑन द अदर हैंड दे विल डिसाइड कि आपका इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगा या फिर आपका इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट IMF ने इकोनॉमी को ओपन कर देता है, जिससे अकॉर्डिंग टू देम बहुत सारा कंट्री आ सकता है और अपना बिजनेस कर सकता है। तो ऐसे ही दूसरा कोई कंट्री में घुसता है, उसके बाद वहाँ का जो कंज्यूमर है उन लोगों का जो दिमाग है उसको रीड करता है और अपना जो थॉट है वो शेयर करता है। तो आगे जाके क्या देखा जाता है कि कंट्री का जो थॉट है IMF या फिर वर्ल्ड बैंक के लोन लेने के बाद है, वो कंट्री खुद अपने आप से स्टैंड नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू देम मूव करता है, जो कि आगे जाके हो सके कि कोई भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी लोन लेने से पहले कंट्री को सोचना चाहिए कि अगर मैं आत्मनिर्भर बन के आगे बढ़ सकूं तो दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ लोन फ्रॉम IMF और द वर्ल्ड बैंक। तो अभी जो कॉमन क्वेश्चन है हर किसी के दिल में है कि भाई इंडिया वर्ल्ड में सबसे आगे बढ़ पाएगा, ऑब्वियसली बढ़ पाएगा, मगर उसके लिए इंडिया को कुछ सेक्टर में बहुत होना पड़ेगा, आगे जाके पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और तभी जाके इंडिया भी शायद वर्ल्ड में नंबर वन हो सके। वहां तक जाने के लिए इंडिया को जो जो सेक्टर में अपना काम करना है उसमें एक बार बात कर लेते हैं। आने वाला कुछ साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में डिसाइड होगा इंडिया का फ्यूचर। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि $10 trillion जो इकोनॉमी है उसके ऊपर, अगर आप चाहे तो आई बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से या फिर चैनल में विजिट करके भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो आ जाते हैं फिर से हम लोग टॉपिक पे। हम लोग बात कर रहे थे कि इंडिया की नेक्स्ट आने वाला 10 साल में क्या करना चाहिए कि इंडिया आगे बढ़ पाए। तो इसके हिसाब से मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 2024 में जो सेंट्रल में जो इलेक्शन है वो होगा, तो होपफुली अगर उस टाइम में कौन जीता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया का फ्यूचर। अगर हम लोग एज्यूम कर ले कि बीजेपी जीता है तो आफ्टर 75 मोदी जी शायद रिटायर कर देंगे। मोदी जी रिटायर कर जाने के बाद कौन होगा इंडिया का नेक्स्ट PM वो भी डिसाइड करता है आगे जाके कि इंडिया नेक्स्ट 10 साल में क्या करेगा। अब बात करते हैं अगर इंडिया में इलेक्शन बीजेपी जीतता है तो मोदी जी के बाद कौन आएगा। तो हम लोग अगर देखें, हम लोग को जो लीडर चाहिए या फिर जो PM का कैंडिडेट होना चाहिए, द फर्स्ट क्राइटेरिया जिसमें होना चाहिए वो यंग होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, डिसीजन मेकर होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, साथ ही साथ कोई भी अगर इश्यू आता है तो उसको टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बी ए पार्ट ऑफ ए वर। तो ये सब क्वालिटी अगर हम लोग ढूंढने जाएंगे तो हम लोग देखे कौन है इसमें। अगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि बीजेपी इलेक्शन जीता है तो आगे जाके कौन कौन हो सकता है, दो नाम बीजेपी के तरफ से बहुत ज्यादा उभर के आएगा। एक है मिस्टर अमित शाह जो हम लोग के ऑनरेबल होम मिनिस्टर है, दूसरा है योगी जी जो कि UP का CM है। तो एक एक करके बात करते हैं। अमित शाह जो है उनके पास बहुत सारा नॉलेज है पॉलिटिक्स में, उनका जो नॉलेज है होपफुली इंडिया में शायद ऐसा कोई और अवेलेबल हो जाए, मगर द बेस्ट थिंग इज दैट अमित शाह ने पूरा इंडिया का होम मिनिस्ट्री संभाला है, साथ ही साथ बहुत सारा स्टेट का बहुत सारा पार्ट संभाला है। तो उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि इंडिया को अगर आगे ले जाना है तो इंडिया को क्या जरूरत है। ऑन द अदर हैंड जियोपॉलिटिकल जो भी मूवमेंट है उसके साथ अमित शाह हर टाइम अपडेटेड रहते हैं, इसलिए पता है कि कौन सा स्टेप लेने से इंडिया आगे जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं योगी जी को, तो योगी जी का जो बेस्ट है कि यूपी जैसा स्टेट को भी उसने इतना अच्छा जगह में ले गया। अगर हम योगी जी से आने से पहले यूपी को देखते और अभी यूपी को देखते तो जो चेंजेस होता है उससे माना जाता है कि योगी जी आगे जाके शायद हम लोग का PM बन सकता है। स्टेट चलाने का जो नॉलेज, साथ ही साथ स्टेट को डेवलप करके आगे ले जाने का जो नॉलेज योगी जी के पास है यूपी जैसा स्टेट के लिए,
वो काफी असरदार हो सकता है इंडिया के लिए फॉर द फ्यूचर। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो आई थिंक मिस्टर मोदी विल टेक द कॉल कि कौन जाके आगे ये जगह ले सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग अपोजिशन में देखें तो अपोजिशन में कोई भी लीडर इस लेवल पे एक्सपीरियंस या इस लेवल पे डिसीजन मेकर नहीं है। किसी का भी अगर बात कर ले तो एक स्टेट में इतना ग्रोथ 10 साल या फिर 5 साल में किया है ऐसा कोई दिखता नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरा किसी का बात करे जिसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है मगर वो सोचता है कि मैं डिजर्व करता हूँ इस जगह को लेने के लिए, तो मैं कहना चाहूंगा एटलीस्ट अगर आप वर्ल्ड के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी को रूल करने जा रहे हैं कुछ तो नॉलेज रखिए। 10 साल कोई स्टेट को रूल कीजिए, स्टेट को उन्नति कीजिए, स्टेट को एक अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कीजिए, तो नॉलेज जाके आपको हेल्प करेगा एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर फ्री में अगर कहीं से भी आप कोई बन जाते हैं पीएम उसके बाद जाके आप क्या डिसीजन लेंगे या फिर वर्ल्ड के सामने इंडिया का जो इमेज है वो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंस्टेड ऑफ रनिंग के पीएम का कुर्सी प्लीज रन फॉर द नॉलेज टू रन अ कंट्री। अगर आपके पास इतना ऑप्शंस नहीं है तो एटलीस्ट रन ए स्टेट 5 साल या 10 साल उसके बाद ट्राई कीजिए या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस दीजिए फिर जाइए, तो उसमें क्या होगा हम लोगों का भला होगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2.5 वॉर। आप देख ही सकते हैं, आप बोलेंगे ये क्या है, बाहर का कंट्री से इंडिया में इंटरफेयर करके इंडिया का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसको खराब करने का कोशिश किया जाता है। बहुत जगह देखा जाता है सब नेशनल डिप्लोमेसी होता है। आप बोलेंगे ये सब नेशनल डिप्लोमेसी क्या है, तो बाहर का कोई कंट्री अगर इंडिया को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली उन लोगों को जरूरत है कि सेंट्रल लेवल पे अप्रोच करना है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारा इन फॉरेन इन्फ्लुएंसेस जो कि सब नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे ये कनेक्ट करना चाहता है, मेनली दे आर टारगेटिंग द अपोजिशन एंड ट्राई टू फंड देम। उससे अगर इंडिया में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है दे आर टारगेटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग। सो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट दे आर अप्रोचिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड ट्राइंग टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम फॉर इंडियंस। हम लोगों को सोच लेना चाहिए ये चीज बंद होना चाहिए। इसीलिए ये 2.5 वॉर का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको समझाता हूँ ये 2.5 वॉर क्या है। सोचिए कि आज अगर हम लोग चाइना से लड़ने जाते हैं तो ऑब्वियसली 1-1 चाइना है और हम लोग है, मगर ऐसा नहीं होगा, इसमें 2.5 हो जाएगा वर्षन। 2.5 वर्षन कैसा है, एक तो चाइना है, अगर चाइना से आप लड़ने जाएंगे पाकिस्तान का हालत जितना भी खराब हो पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करेगा तो पाकिस्तान फ्री हो गया उसके साथ, मतलब 1 चाइना + 1 दैट इज पाकिस्तान। और 0.5 जो है वो है इंडिया में। इंडिया में बहुत ऐसा इंसान है जो देश को पहला नहीं सोचता है और अपने देश के खिलाफ खड़ा होके दूसरा कंट्री को सपोर्ट करता है। ये जो 0.5 है ये है ये लोग। यही 0.5 को ग्रो करने के लिए यही सब नेशनल डिप्लोमेसी को क्रिएट किया जाता है। तो हम लोग को जरूरत है इससे दूर रहे। द फर्स्ट थिंग इज दैट इंडिया को नेक्स्ट 20 साल तक एटलीस्ट जंग में जाना ही नहीं चाहिए। ऑन द अदर हैंड ये सब नेशनल डिप्लोमेसी जितना हो सके हम लोग को बंद कर देना चाहिए। उससे जाके क्या होगा, सबके अंदर रहेगा भाई अपने आप में हो सके कि हम लोगों का कुछ थॉट प्रोसेस में कुछ डिफरेंस है, मगर उसके लिए हम लोग बाहर में किसी का बात सुने और अपने घर में झगड़ा करें ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। मेनली अगर देखा जाए इस सबके पीछे एक ही चीज है जो है के पैसा। कुछ नैरो माइंडेड पीपल इंस्टेड ऑफ थिंकिंग आर लॉन्ग टर्म व्यू फॉर इंडिया दे आर जस्ट इंटरेस्टेड इन देयर ओन प्रॉफिट, जो के होना नहीं चाहिए। पैसा अगर कमाना है भाई इंडिया के लिए पैसा कमाओ। तो ये था वो फैक्टर जो आगे जाके इंडिया को नंबर वन बनने में हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया है, आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा भी बड़ा है, तो प्लीज चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी अगर जानना है तो कमेंट कर दीजिए और प्लीज लाइक कीजिए क्योंकि उसमें मुझे हेल्प मिलता है ग्रो करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।